तो लफड़ा और मरा तो ये कचरा स्टेशन नाईगांव अगला स्टेशन नाईगांव नेक्स्ट स्टेशन नाईगांव Thank you.
ए साने ऊपर जाने का तेरे को हैं? अभी एक को ऊपर भेज के आ रहे थे, तेरे को जाने का है। जाने का है तेरे को? सुभाष जाने का है। हाँ वो बहेंदर की गाड़ी में पटा डालो। अरे बहेंदर की गाड़ी नहीं है, आ जाए मुंबई के सब चोर चक्के शाने लोग को निपटाते। हाँ वहां पे तू संभाल ना तान्या, उधर आ रहे हैं ना हम लोग। हाँ काय भाव, देख अभी मरना हो गया, अब डरना छोड़ दे। और देख बाबूजी के मारे गए सारे थप्पड़ों का हिसाब एक ही झटके में दिया ना हमने, दिया कि तू मार धाड़ पे उतरा है। किसने बोला इनको ये फिर शुरू हो जाएंगे? तो मेरे शुरू हो जाने से तुम दोनों कौन सा रुक जाओगे? ना ये घूस लेना बंद करेगा, ना ही तू उस कमीने मुख्यमंत्री के जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाना। भाजी मेरे सामने साहब को कमीना मीना मत बोला करो। हाँ आपसे ज्यादा इज्जत करता हूँ मैं। डॉक्टर ने क्या कहा? ये सब उन्हीं की वजह से, ये अस्पताल का वो सब वही कर रहे हैं। तू बता ना पर डे का भाड़ा कितना है इस कमरे का? 8,000। अच्छा आधे महीने की तनख्वाह है तुम्हारी? अरे मत कर इमोशनल भाई, अभी इनका भाषण शुरू हो जाएगा। हाँ। इस तनख्वाह से दो वक्त की रोटी और बोले तो नमक मिलता है, पर बाबूजी चिकन की तरह मिलता है खाने को। हेलो नमस्ते बाबूजी, मानेवर सीएम जी ने भिजवाए हैं अपने हाथों से सुन लेकर। खुद सीएम साहब ने? बस फूल है ना बाबूजी? फूल नहीं है, पंख है, हवाई जहाज से भी बड़े पंख उड़ने के लिए। उड़ान पंखों से होती ना तो मोर सबसे ऊंचा उड़ता, उड़ान होती है हौसलों से, और हौसला तुम्हें वो मुख्यमंत्री क्या देगा जो सर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। हा? तान्या मुझे वो फूल देना। कचरे की चीज कोई नहीं उठाएगा। तान्या बोला ना। सुभाष प्लीज बाबूजी पड़े हैं। फूल ही तो है बाबूजी। चलो तानिया हम दवाई लेके आते हैं। तू मतलब ये जो करें वो सही ना, हम जो करें वो हमेशा गलत। ये यहीं रहे। ये 8,000 रुपया अस्पताल के बिल के लिए, उस भ्रष्टाचारी का 1 रुपया नहीं लगेगा। देनी चाहिए।
चल 4000 दे। ये 4000 क्या कर? मैं शिखर चुपचाप निकाल 4000। चल ना, तेरे को पहला मैं दिया ना, उसके बाद मैं उतरू क्या? कहीं क्या बात कर रहा है, अभी देर करता है ना, दे मुझे 4000। सुनो, तुमसे कुछ बात करनी। हाय, अरे सॉरी लेट हो गया यार। तो मुख्यमंत्री तक तुम्हारी पहुंच कैसे? जी वो मैं उनके यहाँ नौकरी करती हूँ। एक्चुअली इस शहर में आई थी एक राइटर बनने, बहुत स्ट्रगल किया, फिर एक टाइम आया कि किराए देने के पैसे नहीं थे, फिर जब मकान मालिक घर से निकालने लगा तब सुभाष जी मिले। सुभाष जी? उन्होंने किसी तरह मकान मालिक से बात की और मेरे रहने का प्रॉब्लम सॉल्व किया, फिर अपने शाखा प्रमुख से बात करके सीएम साहब के यहाँ मेरी जॉब लगाई। अब मैं उनके भाषण लिखती हूँ। बहुत बुरा लिखती हो, कोई काम की बात तो तुम्हारे माननीय मुख्यमंत्री साहब बोलते नहीं। चलो चाय पियो। अच्छी लगी तुम मुझे, मेरी बड़ी बहू भी अच्छी है। तो कोर्ट मैरिज करोगी? बुला लेना मुझे, बड़े बेटे ने तो बुलाया नहीं। शादी कर ली और बस आशीर्वाद मांगने आ गया। मुझे क्या मालूम था कि सालों तक उसके बाप ने उसकी शादी में साफा पहनने का सपना देखा था। भाई बेटे की शादी में दूल्हे के बाप को बहुत बड़ा सम्मान मिलता है, वो भी नहीं मिला। तो तुम जरूर बुला लेना। क्या कर रही हूं? कितने पैसे हैं मेरे पास? आपकी टोपी। जी मैं आपको कहीं छोड़ दूं? नहीं, लेकिन छोड़ दो तुम उस भ्रष्ट मुख्यमंत्री का साथ। बेटे को तो रोक नहीं सकता, शायद चलो। बताइए, आपने सम्राट जान को सीएम के खिलाफ बोलने के लिए तैयार कैसे किया? मछली को पानी में डालने के लिए तैयार नहीं करना पड़ता, कूद के जाती है। इस मुख्यमंत्री की हीरोइन को सालों से कोई फिल्म तो मिली नहीं, अब कैमरे के सामने आने का मौका मिला है तो किसी भी एक्शन के लिए तैयार है। कॉफी? कॉफी नहीं आई अभी तक। कम ऑन, वी आर रेडी टू रोल, कम ऑन, स्विच ऑफ द लाइट्स, स्टैंड बाय एवरीबॉडी। परफेक्ट, आपको लेके एक फिल्म अनाउंस कर, वो भी आज ही। रेडी? ऑलवेज। नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने है द मोस्ट वंडरफुल एक्ट्रेस, डांसर और पॉलिटिकल वर्कर जया प्रभा जी, जिन्हें सीएम साहब ने आर्टिस्ट कोटा में एक बहुत ही शानदार बंगलो अलॉट किया। लेकिन इल्जाम है कि जिस जमीन पर वो बंगलो बना है वो जमीन सरकारी है और सेंसिटिव है, मुकदमा दायर हो चुका है और कोर्ट का फैसला आने से पहले सीएम साहब को कुर्सी छोड़ने की गुहार लगा रही है अपोजिशन पार्टी। तो आइए देखते हैं उस बंगले की, विवादित बंगले की मालकिन इस पूरे कांड के बारे में क्या कहते हैं। जय प्रभा जी।
नमस्कार। दरिया किनारे एक बंगला है। हाँ है, मैं गोरी हूँ। कट 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 कट। हाँ हूँ। मुझे मुख्यमंत्री महोदय ने वो बंगला दिया। हाँ दिया, लेकिन मैंने भी क्या क्या नहीं दिया। अपना हुनर, अपना समर्पण, अपना सब कुछ। जय प्रभा जी, कैमरा रोल नहीं हो रहा है। क्यों? एक इम्पोर्टेंट लीव मिली है, लेके आता हूँ। अर्नब जी, तो आप नहीं लेंगे इंटरव्यू? अरे यस सर, आज ये लेंगे। मुख्यमंत्री महोदय जी, आप हथेली आगे कीजिए, पी जाइए, घी है। घी पीऊं? भरवाना है मुझे, पता नहीं दो दो बार एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, विरोधी दल ने भेजा है। ए बाबू, ये जो कह रहे हैं कर लो। काशी के मुख्य पंडित जी हैं ये। हाँ, अपने साथ 11 पंडित आए हैं। देखना, हवन के धुएं में ये केस वे सब उड़ जाएगा। हाँ, अरे अरे पंडित जी रुक क्यों गए? मुख्यमंत्री जा रहे तो क्या हुआ, हम तो हैं। चलिए शुरू कीजिए। अरे बाबू की जगह बैठोगे तुम? हटो। वक्रतुंड महाकाय। हेलो सर। हाँ आइए, अंदर चल के बात करते। राजनीत और सौंदर्य का घिनौना संगम, हुस्न की जाल में फंसे मुख्य। क्या हरामी पना चल रहा है सब? अभी खा कौन नहीं रहा, लेकिन तुम मीडिया बिरादरी वाले मेरे लेने पे लगे हो। सर सब खा रहे हैं, भ्रष्टाचारी हैं, सब नेपाल भी रखी है, लेकिन किसी ने अलॉटमेंट नहीं की, और वो भी सरकारी सेंसिटिव लैंड पर। सही कह रहे हो यार, ये सारी मुसीबत की जड़ है साला ANT। चलो हंस कह रहे हो, LAND मतलब लैंड, वो भी सेंसिटिव। हंसी मजाक बहुत हो गया, अब ये बताओ ये न्यूज कैसे दबेगी? इससे बड़ी खबर दे दीजिए। ले लो, 1200 करोड़ का घोटाला किया मैंने लवासा के पास, दिन रात चलाओ न्यूज। पर मुझे शर्मिंदा तो मत करो है? अरे 12 करोड़ के घोटाले के लिए दयाशंकर पांडे के ऊपर इल्जाम, डूब मरने की बात है। आजकल तो भैया 1000 करोड़ के ऊपर भ्रष्टाचार होता है, उसके नीचे तो शिष्टाचार है, शिष्टाचार। सर आप समझ ही नहीं रहे हैं, जो बात इन 12 करोड़ में है उन 1200 करोड़ में नहीं है। अब देखिए ना, इसमें हीरोइन है, रोमांस है, स्कैम है, और सेक्स भी तो है। चाचा जी, अरे क्या हुआ, हड़बड़ा का रहा है? अरे क्या कमीनापन चल रहा है यार, ये न्यूज चैनल वाले ना, न्यूज लगाइए आप, टीवी ऑन कीजिए। दरिया किनारे एक बंगलो गपोरी जय जो जय, दरिया किनारे एक बंगलो गपोरी जय जो जय। अरे जाएगी कहाँ तेरे पीछे ये पोरा आई जो आई, आई जो आई। दरिया मैं हूँ? नहीं सर, ये एंटरटेनमेंट है, और अब यही न्यूज है। दरिया किनारे एक बंगला है। हाँ है, मुझे मुख्यमंत्री महोदय जी ने वो बंगला दिया। हाँ दिया, लेकिन मैंने दिया तुम्हारे स्टूडियो में लाइव। अपना समर्पण, अपना सब कुछ। पहले जमाने में जमींदार राजा महाराजा कला की कद्र करने में अपना राजपाट तक दे देते थे, तो क्या वो भ्रष्टाचारी थी? बिल्कुल नहीं। इसी तरह हमारे मुख्यमंत्री जी भी हमारी देश की पुरानी सभ्यता और परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, एक आर्टिस्ट को सम्मान दे रहे हैं। आर्टिस्ट? मां की आंख आर्टिस्ट की। तने आंख
तनिया तनिया ये सर किधर हो यहाँ चलिए आओ चलिए आओ कैसे चलिए एक प्रेस रिलीज लिखो जल्दी जी सर क्या लिखूं लिखो कि वो नवाब जादी कुतिया जानबूझकर मेरे पीछे भी लिखा क्या यस सर क्या लिखा अभिनेत्री जय प्रभा जी हम पर आरोप नहीं लगा रही हैं बल्कि सामाजिक जीवन में फूहड़ अभिनय का प्रदर्शन कर रही हैं अब आगे लिखो कि इस 2% की औरत की सारे हरामपंथी समझ रहा हूँ मैं विरोधियों के गोद में जाके बैठी है लेकिन मैं जब चाहूँ उस लौंडी को गोद से उतार कर बीच बाजार में नंगा खड़ा कर दूँ लिखा क्या एक मिनट सर क्या लिखा बोलो माननीय जय प्रभा जी की महत्वाकांक्षा जग जाहिर है विरोधी दलों की साजिश का शिकार हुई है वो लेकिन मैं जब चाहूँ उनके इस झूठ के लिबास को उतार कर उन्हें जनता के सामने खड़ा कर दूँ अब आगे लिखो कि गोरी चमड़ी सिर्फ अकेली उनकी नहीं है यहाँ सुबह सोकर उठने से लेकर रात में सोने तक 3600 है लेकिन कोई इनकी तरह कैमरे में मुँह नहीं दिखाती है ये नवाब जादी मुँह भी दिखा रही है और जात भी ये आरोप हम पर पहली बार नहीं लग रहा है सुबह से लेकर शाम तक नो सर सुबह से लेकर रात तक हम आरोपों में घिरे रहते हैं तो क्या ऐसे वैसों के लिए हम जनता की सेवा करनी छोड़ दें अब खड़े कहो जाओ रिलीज करवाओ यस सर आने बेटा प्रसाद लेके जाओ तुम बड़ा अच्छा लिखते हो अब माफ करना अम्मा तुम्हारे सामने मुँह से गाली निकल जाती है पर वो चुड़ैल जो है ना वो हमको मजबूर कर देती है हाँ बाबू हम सब समझते हैं सॉरी 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 काम में अटकी थी क्या सॉरी सॉरी यार पता है कितनी देर से पक रहा हूँ वैसे तुम ना जानबूझ के पकते हो कितनी बार बोला अंदर आके विजिटर्स रूम में बैठ जाया करो ऐसा है मैडम जिस दिन मैं बाउंड्री पार करूंगा ना उस दिन झंडा गाड़ के वापस आऊंगा वाह वाह सरकार के इरादों की तो दाद देनी पड़ी तो दे दो दाद वेरी फनी चलो ऐसा जा कर रहे वही जहाँ कोई आता जाता नहीं अच्छा तो मुंबई में कोई ऐसी जगह है बिल्कुल है अभी लेके चलता हूँ चलो बताएं तुम में क्या क्या बात है तुमसे दिल में शायरी है इश्क की सौगात है हम तुम्हें कैसे बताएं तुम में क्या क्या बात है तुमसे दिल में शायरी है इश्क की सौगात है जिस अंदाज से ये हवाएं छू रही हैं तुमको जिस अंदाज से ये अदाओं की अदा की एक नई शुरुआत है हम तुम्हें कैसे बताएं तुम्हें क्या क्या बात है दिल में शायरी है इश्क की सौगात है इश्क बन जा रहा है फिर भी अब बसेरा चाहता इश्क बन जा रहा है फिर भी अब बसेरा चाहता बस तुम्हारे साथ मेरे दिन है मेरी रात है हम तुम्हें कैसे बताएं तुम्हें क्या क्या बात है तुमसे दिल में शायरी है इश्क की सौगात है क्या
फूल निकाला है। अरे पटवर्धन सब ठीक चल रहा है ना? सब ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, अच्छा चल रहा है सर। लेकिन तुम आज छुट्टी ले लेते ना। अरे मैंने बोला ना नहीं ले सकता छुट्टी भाई। तुम 2 से 10 की शिफ्ट क्यों? मैं आ जाऊंगा, टाइम पर आ जाऊंगा भाई। अच्छा सुनो, जरा सुभाष को समझा, वो शाखा वाखा के चक्कर में ना पड़े। नहीं नहीं आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। फोन लगा दो ना अभी। अभी अभी लगा दो, लगाओ ना, मैं बेफिक्र हो जाऊं। उसी को लगा रहे हो? अरे 3-4 ही नंबर है इसमें मेरे, तुम्हारा भी है समधी जी। पता है उसके पास पे जो वो ग्रीन वाला है ना, वो तानिया टावर्स। किसका है? बाऊजी का है। तो क्या हुआ, बाऊजी कौन से प्रधानमंत्री हैं कहीं के? किधर हो? गन्ने खा रहा हूँ चोरी करके, आप तो खाओगे नहीं। खरीद के खाओगे तो ज्यादा स्वाद आएगा। ये बोलने के लिए फोन किया? नहीं, वो तानिया है ना। हाँ है तो? उसे बता दिया ना कि तुम्हारी भाभी के भाई की शादी है, बुला लेना उसे शाम को जब दूल्हा सजेगा और कल बारात में भी। अच्छी लगी मुझे वो। मेरा कोई काम तो अच्छा लगा आपको। अच्छा आ जाना, बता देना उसको भी, और शाम को शाखा वाखा मत जाना। हाँ क्या हो गया भाऊजी को, तेरे को बुला रहे हैं शादी पे? सीरियसली? हाँ। Wow. कुछ ना कुछ वहां भी लेक्चर देंगे। Oh, shut up. सुनावे साहब, आधा घंटा हो गया, और कितनी देर लगेगी? हाँ बारे जोशी, आधा प्रोजेक्ट देखा है, आधा प्रोजेक्ट बाकी है। सुनावे साहब आप मशीन जमा कर लो ना, वो मेरे समधी साहब के बेटे की शादी है, थोड़ा जल्दी हो जाए तो। जल्दी तो अपन को भी है, लेकिन साली जल्दी खोलती नहीं है ना, मतलब फाइल नहीं खुलती। अच्छा एक काम करो, वो मशीन वहां रख दो, समझो जमा हो गई, ठीक है? नहीं मैं फिर मैं वेट कर लेता हूँ। अरे रख दे रे, पिछले 30 साल से जमा कर रहा है, एंट्री करवा रहा है, इतनी तोप है, कोई ताजमहल नहीं है, मैं बाद में एंट्री कर दूंगा सच्ची। तो मैं मशीन यहाँ जमा करके जा रहा हूँ, तो रसीद कल दे दूंगा रे। ठीक है तो फिर मैं सोनावने साहब ये मशीन जमा करा के जा रहा हूँ। अच्छा नमस्ते। जोशी परिवार की तरफ से पॉलिटिशियन एक्टर चलो ना भैया प्लीज आइए। रुकना था नहीं अभी 5 मिनट अभी नहीं नहीं 5 मिनट बहुत टाइम हो गया। चलो चलो क्या हुआ? चलो ना। सुनना वो ऐसा जो भाड़े का हेलीकॉप्टर मिलता है उसको क्या बोलते हैं? चार्टर्ड हेलीकॉप्टर। मैं ना ऐसा चार्टर्ड हेलीकॉप्टर पे आएगा एकदम सॉलिड, और सामने इधर सीएम साहब होंगे, वो हम दोनों को आशीर्वाद देंगे, इधर मीडिया ही मीडिया होगा एकदम 5 स्टार, और वो सबके सामने मैं तेरे को रिंग पहनाएगा। बहुत अच्छा आइडिया, लेकिन अभी इसमें 5-10 साल है ना। बस क्या, अभी अगले साल कॉर्पोरेटर फिर है मेरे लिए। हाँ अभी है, लेकिन अभी चले। अरे यार तू नहीं भाई। एक रिक्वेस्ट है, वो हेलीकॉप्टर का पीछे का बैक सीट हो यार, उसे मैं और तेरा भाभी दोनों साथ में बैठेंगे भाई। मेरे को तेरे से एक बात करने का था प्राइवेट में। हाँ मुझे मालूम है तुम्हें बात करने का, लेकिन अभी हम चलेंगे। सुन चलना, 2 मिनट का बात है बस। फिर सच्ची आई शपथ, बहुत जरूरी बात है, चलना। मुझे मालूम है तुम्हें बात करनी है, लेकिन प्लीज देखो बच्चे से बात करना। देखो आओ, देखो देख शेखर भी, चलना प्लीज, चलना 2 मिनट। Thank you.
कैसे सराए कैसे दे तोहफे तुम्हें हम तुम्हें कैसे सराए कैसे दे तोहफे तुम्हें तुमको बस चाहे हमेशा ये दुआ दिन रात है हम तुम्हें कैसे बताए तुम्हें क्या क्या बात है तुमसे दिल में शायरी है इश्क की बात है चलो तुमसे कुछ बात करनी है भाई और भाभी को भी बुलाओ भाई को इतना डर रही है मैं कुछ नहीं बोलते ऐसे चल इसे बोलो उसे पहना दे बाबूजी ऐसी भी क्या गाई है जी की बेटी है ये तू अपनी जिम्मेदारी समझे ना समझे मुझे मेरी जिम्मेदारी पता है हाँ लेकिन बाबूजी अभी क्या चल बहना अंगूठी जी थिरो कल रिटायर हो रहा हूं मैं चाहता था कि रिटायरमेंट से पहले अपने दोनों बेटों का घर बसा दूं बस इसीलिए थी घाई आपकी तनख्वाह आधी आधी हो जाएगी क्या हाँ और इस घर का क्या होगा अपना नहीं है वापस तो करना पड़ेगा ना वापस क्यों करना पड़ेगा अरे कुछ बात करूं अंदर आपके बाद मेरे को मिल जाएगा 10,000-50,00,000 जो भी देना मैं दे दूंगा मैं तुम्हारी तरह रिश्वतखोर नहीं हूं मैंने अपने साहब से बात की कि मैं अपने छोटे बेटे को भेजूंगा अगर वो इस लायक हुआ कि मेरी जगह नौकरी कर ले तो उसे रख लेना कल मिल लेना उसे जाकर ये क्या है ये मैं क्यों मिलेगा उनसे जाके क्या बकवास है ये मेरे को जमादार बनाने का है क्या उस गटर में उतार के और मैं वो मशीन लेके ऐसा फुरफुर करके मच्छर नहीं उड़ाएगा नहीं क्या कुछ भी बोलते हैं क्या ये और कल से बोलना मत ये बात वापस बेटा जिस चीफ मिनिस्टर को तू पूछता है ना वो भी तभी चैन की नींद सो सकता है जब मेरे जैसा कोई जामादार उसके घर के नीचे के गटर में मच्छरों के धुएं को उड़ाता है समझा हो गया क्या बाबू जी मच्छरों की फिक्र है आपको अपनी औलादों की नहीं बस कर और नीचे कम पीना या बिल्कुल मत पीना ऐसे क्या देख रही हो अरे इनकी बातों का बुरा माना मैंने बहुत पहले बंद कर दिया है मैं तो आज खुश हूं कल रिटायर हो रहा हूं मैं कल मिलेगा मुझे शॉल नारियल और ईमानदारी का सर्टिफिकेट आप ये साहब नमस्कार जय महाराष्ट्र कसा चाल रहा है सद्या हाँ मला माहिती है हाँ तो आपला छोकरा है सुभाष अपना पार्टी वर्कर है अरे आप एक फोन घुमाओगे ना तो वो खोली उसके बाप के नाम से उसके भाई के नाम पे हो जाएगा हाँ साहब है मंटा कितनी 10,00,000 ओ साहब वो गरीब मानुस है अपने पार्टी के लिए कितना काम किया है 10,00,000 क्या 15 का रेट चल रहा है पार्टी वर्कर है इसके लिए 5 कंसेशन है हाँ साहब सीएम साहब का सेक्रेटरी है 10,00,000 बोल रहा है बोलो ये पार्टी के लिए ना खून बहाया मैं अपना काय को देगा मैं पैसा वो सीएम खुद मेरे को गुलदस्ता भेजा था कि नहीं ए सुभाष जास्ती सेंटी रामा राव नको बनू समझा ना अभी मेरे को क्या करने का वो बोल यार नक्की करो काय तू काय नक्की करो देता है मैं पैसा 8,00,000 करवाओ ना भाव 8 में नहीं मानेगा वो
मैं दिया 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 पर वो कल का कल करके देंगे क्या? साहेब नक्की आता सांगा पैसे किधर भिजवाने का है? मेरे पालम मेरे मजनू साली कुतिया, टीवी में आने का बड़ा शौक चला ना तुझे, ब्लू फिल्म बनवा के बटवा दूं तेरी। तुम रहो मेरे साथ तो मैं कोई भी फिल्म बनवा दूं। वैसे कितना महंगा हो गया ना पेट्रोल, और तुमने मुझे उठवाने के लिए छह छह काले शीशे वाली गाड़ी भिजवा दी। अरे एक मिस कॉल करते थे बंदी सर के बल उल्टी चली आती, सर के बल नहीं सारी उलट जाती ना। नवाब जादी तुझे कितनी बार मना किया ये वाला परफ्यूम मत लगाया कर। पगला जाते हैं यार।
की बाजारू औरत एक तो मेरे बेटे की गद्दी छिनवा रही है, दूसरे उसे हफवा कर मरवा रही है। तो अरे भगवान तेरा मुंह काला करे। मुंह काला भगवान नहीं, तेरा बेटा करता है। और वैसे भी मैं इसकी गद्दी छिनवा नहीं, पचवा रही हूँ। और डर मत, इससे ज्यादा हफ्ते हुए देखा मैंने इसे, मरेगा नहीं है। अरे बकवास बंद कर और निकल जाए यहाँ से। प्यार करती हूँ तुमसे, इसीलिए इसका थप्पड़ सह लिया। अब ये नहीं आएगा मेरे साथ मुंह काला करने, मैं आऊंगी इसका मुंह काला करने। अरे क्या घोसला भाई, अभी बस का भाड़ा लेते हैं, अब क्या 10,000 से एक भी ज्यादा देगा नहीं। हाँ हाँ ठीक है, 15,000 रुपये में लगी गया। पटवर्धन आशीर्वाद लो भाई। जीत रहो जीत रहो भाई, रिटायरमेंट की बहुत बहुत बधाई। जच रहे हो आज, तुम्हारे बेटे की शादी है, मैं आज रिटायर हो रहा हूँ, दोनों के लिए सम्मान की बात है। मेरी तरफ से भी डांस करना। अरे अरे रखना। नमस्ते बाजी, कैसी हो? लंबा सफर है, जल्दी करो ना। भाभी एक मिनट, आज आपके लिए बहुत बड़ा दिन है ना, मीठा खा के जाइए। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना। हाँ भाभी जी। नंदू। अरे जोशी साहब नमस्कार। नमस्ते। 200 रुपया 126 रुपया पिछले महीने का जी। और बाकी का रख लेना, रिटायरमेंट के बाद चाय पिलाते रहना। जोशी साहब यहाँ क्या कर रहे हो भाई, बहुत बड़ा दिन है, फोटो खींचने बहुत सारे। ये तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए। चलो चलो नमस्ते साहब, ढेर सारे फोटो खींचना। आ जाओ अंदर। साहब आप आए, आपकी ईमानदारी के बारे में बहुत कुछ सुना है साहब, आज मिल भी लिया। लेकिन मैं बेईमानों से नहीं मिलता हूं, कचरे के डब्बे की तरह उठाकर बाहर फेंक देता हूं। लाइन में लग। साहब मैं? हाँ तुझे कह रहा हूं, क्या नाम है तेरा? ये पुरुषोत्तम नारायण जोशी, मशीन कहाँ है बोल? मशीन तो मैंने कल दर्ज करा दी थी सर। झूठ बोल रहा है, कितने की बेची मशीन? बेची? कैसी बातें कर रहे हैं साहब, ईमानदारी के सिवा तो मेरे पास कुछ है ही नहीं। आप इनसे पूछ लीजिए, उनसे पूछ लीजिए, किसी से पूछ लीजिए साहब। इतने जूते मारूंगा सारी एक्टिंग धरी रह जाएगी, तेरे से पूछ रहा हूं ना, मशीन की तरह बोल। भगवान कसम साहब, मैंने सोनावने साहब के पास जमा करा दी थी। कौन है ये सोनावने? सोनावने जी सर। इसने मशीन जमा करवाई? सोनावने साहब क्या कह रहे हैं आप, मैंने कल मशीन आपके पास जमा कराई ना, आप टाइप कर रहे थे, मैंने कहा कि मैं अपनी समधी की बेटी की शादी पर जा रहा हूं। ए जोशी एक मिनट साहब, आप याद है ना आपको मैंने 3-4 बार आपसे पूछा। ए क्या हो रहा है ये? सुन, मगर बस तुम जाओ, मशीन जमा करा दी, रसीद कहाँ है? सब वो रसीद मैंने सोनावने साहब से कहा था, मैंने दो मजाक बना रखे क्या? सोचा होगा आखिरी दिन है नौकरी का, कौन साला हिसाब रख रहा है, बेच खाओ। साहब आप बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, सम्मान करता हूं मैं आपका, लेकिन आप मुझे ऐसे अपमानित नहीं कर सकते। बस मुंह बंद रख अपना, चोर साले। साहब क्या बोला आपने? चोर बेईमान। साहब आप मुझे गाली दे सकते हैं, मार सकते हैं, चोर मत बनाइए, सारी जिंदगी दे दी मैंने आप। एकदम चुप। 37 साल से मैंने एक भी गलती नहीं की है साहब,
एक भी रिपोर्ट मेरे खिलाफ दर्ज नहीं हुई है। सर मेरी बात सुनिए प्लीज। बिल्कुल नहीं सुनूंगा। सुनिए तो सही। लाइन में लग। आप कुछ बोलिए ना, आप तो मुझे जानते हैं। एक मिनट सर प्लीज बोलो। सर वैसे जोशी की आज तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है। रिपोर्ट तो इन छह लोगों की भी नहीं आई, पर सब साले चोर हैं। उड़न दस्ते का छापा पड़ा तो पकड़े गए सबके सब। ऐसे कैसे छोड़ दूं यार। सर प्लीज प्लीज। आई विल सेट एन एग्जांपल। तेरा पीएफ पेंशन सब रुकेगी। क्रिमिनल केस अलग से चलाऊंगा तेरे ऊपर में। ऐसा सबक सिखाऊंगा कि आज के बाद डिपार्टमेंट में कोई भी चोरी करने की हिम्मत नहीं करेगा। मुख्यमंत्री दयाशंकर पांडे पर टिप्पणी की है, उससे ये साफ है कि उन्हें इस्तीफा देना ही पड़ेगा। और जानकारों का ये भी कहना है कि वो गिरफ्तारी से नहीं बच सकते। चाचा जी चिंता करने की कोई बात नहीं, हमें सब संभाल लेंगे। दिल्ली थला देंगे चाचा जी, नेता खरीदेंगे, पुलिस खरीदेंगे, जज खरीदेंगे, लेकिन कुछ भी हो जाए चाचा जी आपको जेल में जा। अरे चुप रहो यार, हटो साइड में। मार हंगामा मचा पड़ा, बताइए कुछ हो रहा है साला। क्या किया आपने जीता जी? 12 करोड़ रुपए आपने खाए साले। मीडिया वाले मार आपके पीछे पड़ गए, आपको परेशान कर रहे हैं, आपको फांसी दिला रहे हैं साला, कोई बात ही क्या किया है? और हम आपके राज्य मंत्री 300 करोड़ रुपए साला खा के बैठे, हमारी एक फोटो भी नहीं आई, बताइए कोई बात है? चुप रहो, हटो पीछे जाओ। बाबू को खाना खाने नहीं दोगे क्या? बाबू चलो खाना खा। अरे 2 बार एंजियोप्लास्टी हो चुकी है तो रेड मीट खाना मना है, चिकन और मच्छी तो हम खा सकते हैं। हाँ हाँ बेटा, वो ये खाना तुम्हारे दिल के लिए नहीं है, इसे तो जेल में खाने की आदत डालने के लिए बनाए बेटा। खा लो खा लो। मालूम है तो, मालूम है तिहार जेल में 100 करोड़ के नीचे वाले घोटाले को यही सादा चावल और दाल खाने को मिलता है, चिकन मच्छी नहीं मिलता, मालूम है हमको। साला हमको इसकी चिंता नहीं है, हमको चिंता है वहाँ दोस्तों को मुंह कर दिखाएंगे, काम दिखाएंगे। 12 करोड़ का तमगा लेकर जा रहे हैं, 12 करोड़ का तमगा। साला पार्टी के कॉर्पोरेटर से लेकर ड्राइवर तक सब हंसते हैं, वो लौंडिया के चक्कर में सारी हमारी जिंदगी। क्या हुआ बाऊजी?
के सस्पेंशन लेटर? चोरी के इल्जाम में बाबूजी? इतना सही गलत, सही गलत हो गया सब गलत। मैं बोला आपको होगा एक दिन ऐसा, पछताओगे एक दिन आप। बेईमान बना दिया ना इनको बाबूजी, बड़ा भारी समाज बदलने चले थे। बाबूजी कुछ तो बोलिए। भाभी पानी लो। ये देखो, देखो इन्हें, अब ना ये मरने की ठान लेंगे। मैं लिख के दे रहा हूँ, ये मरने की ठान लेंगे। ये करेंगे। चुप करो। क्या चुप करूँ? आपके मरने से बेईमानी खत्म नहीं हो जाएगी बाबूजी। इस एक अकेले आदमी को बंबई के 1.5 करोड़ लोगों की चिंता है। आपकी चिंता है किसी को? सुभाष ऐसे सही नहीं ये सब बातें। और मैं तुझे बताऊँ, जिसने इनकी तोप बेची होगी ना साला, किसी बियर बार में बैठा ना, ऐश कर रहा होगा वो। और ये यहाँ मर रहे हैं बेईमानी का ठप्पा लिए। चुप कर जाओ प्लीज। डॉक्टर को लेके अपने बाबा को ऐसे मर नहीं दूंगा, मैं इनकी ईमानदारी साबित करके रहूंगा। अरे कैसे करेगा तू? लेटर नहीं देगा तू? कैसे भी, इंश्योरेंस प्रोविडेंट फंड कुछ नहीं मिलेगा, मेरा 10 लाख भी गया ना। 10 लाख? 10 लाख कहाँ से? ये आया था, ये शाखा प्रमुख को दिया कि इनकी रिटायरमेंट के बाद ये घर अपना हो जाएगा। ये आदमी जीते जी मेरे लिए और भाई के लिए कुछ भी करके नहीं गया, अभी जाते जाते सब कुछ लेके जाना चाहता है। ये कॉलेज में सीधा घुसने का, प्रिंसिपल के केबिन में जाके सीधा उसका मुंह काला करने का, वो भी मीडिया के सामने में। भाई क्या भाव। क्या है भाई, बात तो करने दो। क्या भाई, लेटर दिया था ना, अलॉटमेंट लेटर है ना, इसी का तो 10 लाख रुपए दिया ना, तो फिर मिल गया लेटर और क्या। भाव थोड़ा प्रॉब्लम आया। अरे कोर्ट नहीं, गाड़ी दो, कदम गाड़ी निकाल। वो बाबूजी को सस्पेंड किया है, वो भी खोली का अलॉटमेंट तो होगा नहीं, भाई का पैसा अगर मिल जाता था तो। यार पैसा मेरे को देने का होता तो दे देता था ना, उधर सीएम साहब को हार्ट अटैक आया है, साहिला साहब उसको उसमें सब बिजी है, ऐसे में मैं येड़ा ये साहब बात करें तो येड़ा ही होगा ना। क्या अक्कल नहीं तुमको? अभी जा भाई, लेकिन कुछ तो करो ना भाई, प्लीज। ए सुभाष भाव प्लीज। ए सुभाष, ए थाम रे, ए बाला, नाराज हो गए क्या रे? हां तेरे को मैं एक रास्ता बताता हूं, तुम अपने बाप को बोल कि एक माफीनामा लेके, हां उसमें बोले कि गलती हो गई, बोलेगा कि नौकरी का आखिरी दिन था, क्षमा कर दो। सुन, 1-2 लाख रुपए साहब को खिला पिला डालेंगे ना, तो वो घर हमेशा के लिए तेरा। हां तो इकड़े बस स्माइल प्लीज। शेखर, सुभाष कहाँ हो तुम? बीपी बहुत ही लो है, शुगर बिल्कुल नील हो गई है, शायद कुछ खाना पीना भी नहीं खाया, कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है, चांसेस ना के बराबर है, जितनी जल्दी हो सके एम्बुलेंस बुलाओ और उनको हॉस्पिटल में एडमिट करो। ओके, तो जा बाबूजी के पास में एम्बुलेंस। सुभाष तो ही चलना भाई, इसे साइन कराते ना पहले 2 मिनट। हाँ कराते ना, मैं फिर को एम्बुलेंस लेके आने देना। तेरा होना जरूरी है भाई, प्लीज तू चल। बात कर रहे हैं बाबूजी को किसी और डॉक्टर से दिखाते हैं ना। वो साइन मांगता है आपका, सब ठीक किया मैं ऑफिस में, बात किया। साइन मांगता है तुम्हारा, बस मर जाएगा मैं कूद के देख। अगर साइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपको? ए थाम ना रे तू, बाबूजी साइन कर दो ना। बाबूजी इस माफीनामे पे सिर्फ इतना लिखा है कि आपकी बढ़ती उम्र की वजह से आपकी याददाश्त जा रही है और आप मशीन रख के कहीं भूल गए, तो बाकी हमने सब पैसे देके निपटा दिया है, आप बस एक साइन कर दो ना। पहले एक पेपर नहीं जान ली, दूसरे पेपर से जिंदा लाश को जलाना चाहते। नाटक नाटक फिर नाटक। आप बस मरने से पहले हमारी लाइफ नरक करके जाओगे। अरे क्या मांगता है आपको बोलो ना, वो बोलता रहा उसने मैटर सेटल कर दिया है। क्या मांगता है? डॉक्टर बोल रहा है आपके पास टाइम नहीं है, इसमें साइन करो खत्म करो ना। क्या मांगता है तुमको? देखो इसकी शक्ल तो देखो, कहां से लाएगा 10 लाख? और क्या चाहिए आपको? सम्मान नहीं मिला ना, मैं दिलवाऊंगा।
आत्मसम्मान? और कहाँ जलना है आपको? कौन से शमशान के? विद्युत में चंदन की लकड़ी चाहिए, मैं जलवाऊंगा आपको। ये बर्बाद हो जाएगा बाबूजी, कहाँ जलाएगा 10 लाख? रुक ना भाभी, बर्बाद हो जाएगा वो। जी लिया अपनी जिंदगी ना, कर दो बाबा। एक साइन है बाबा, करके खत्म करो ना। अभी इसमें क्या लिखने लगे, क्या लिखने लगे इसने? वसीयत। कुछ है क्या आपके पास? देख, अपनी असफलताएं और अपनी नाकामयाबियां। फिर वही सम्मान। एक बात बोलूं, तुम जैसा घटिया आदमी नहीं देखा मैंने अपनी जिंदगी में। बस स्कूल में सम्मान नहीं मिला तो स्कूल से भागा नहीं मैं, आगे बढ़ा। शादी में सम्मान नहीं मिला तो तुम्हारी शादी के सपने देखे मैंने, लेकिन तुमने धोखा दिया मुझे। नौकरी से डिसमिस हुआ तो सरकार से लड़ने का दम था मुझ में, लेकिन आज तुम दोनों ने मेरा दम तोड़ा। जब तुम दोनों पैदा हुए ना, तुम्हारी माँ कहा करती कि तुम मेरी ईमानदारी का इनाम हो, लेकिन गलत थी, हो गलत थी। दोनों ने मेरा दम तोड़ा। जब तुम दोनों पैदा हुए ना, तुम्हारी माँ कहा करती कि तुम मेरी ईमानदारी का इनाम हो, लेकिन गलत थी, हो गलत थी। तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हार हो। तो किसे मेरे अंगूठे के निशान उस माफीनामे पे लेना चाहता था ना, वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हार। और तू एक बेईमान आदमी के पीछे जिंदाबाद के नारे लगाता ना, वो मेरी सबसे बड़ी हार है। और ईंधन की लकड़ी से जलाओगे तू मुझे, ईमानदारी से एक माचिस की तीली खरीदने की औकात नहीं है तेरी, ईंधन की लकड़ी से जलाएगा। भाजी ऐसा है, ज्यादा ना इमोशनल होने की जरूरत नहीं, चुपचाप साइन करो। मैंने बोला है ना, जो बोलोगे वो करूंगा। अगर मैं तेरी बात मान लूं, हाँ? इसके सर पे हाथ रख के कसम खाता हूं, जो बोलोगे वही सम्मान दिलाऊंगा। इक्कीस तोपों की सलामी चाहिए मुझको। क्या किस तोपों की सलामी दिलाओगी मुझे? दिलाओगी मुझे किस तोपों की? बाबा, बाबूजी, बाबूजी। जी की आंखें तभी बंद होंगी जब उन्हें 21 तोपों की सलामी मिलेगी। क्या बोल रही हो तानिया? क्यों, तुमने बोला था ना? तो बाबूजी के साथ गर्मा गर्मी में बोलने के लिए बोल दिया था। बोलने के लिए था? मुझे ना तुमसे बात भी नहीं करनी। जो अपने बाबूजी का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा? कैसी बात कर रही हो, मैं कहां से लाऊंगा 21 तोपे? ये अंगूठी को भी ना बाबूजी के साथ ही जला देना। कही थी ना तुमने मेरी कसम, सुभाष बाबूजी को 21 तोपों की सलामी दिलाओ। ये कोई मजाक नहीं हो रहा है, कोई कोई गेम नहीं है। मैं कहां से लाऊंगा 21 तोपे?
तो हमारा प्यार कोई खेल है? क्यों गई थी तुमने मेरी झूठी कसम? किसी चीज का कोई मतलब नहीं है तुम्हारे लिए, किसी चीज का। तान्या रहेगा, किस तो तू सोच के तो देख। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है सुभाष, तुम्हें समझने में बहुत बड़ी गलती हुई है। हेलो, फाइंड मी? हाँ, तोप चाहिए। तोप मींस? तोप मतलब तोप, टीओपी, तोप। T-O-P, टॉप, ऊपर पहनने वाला टॉप? अरे नहीं मैडम, वो दागने वाली टॉप होती है ना, वो चाहिए। अरे ये टॉप को इंग्लिश में क्या बोलते? तान्या, अरे मैं ट्राई कर रहा है ना, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हेलो, अरे थामना मैडम। कैनन, 21 कैनन चाहिए। कैनन? वो भी 21? सॉरी सर, अभी तक तो किसी ने इस प्रोडक्ट को लिस्ट नहीं किया है, पर मैं रिक्वेस्ट में डाल दूंगी। By the way, sir, आपको कैनन क्यों चाहिए? क्योंकि मेरे बाबूजी बाबर की सेना में थे और उनको अब 21 तोपों की सलामी दिलवानी है। तोप चाहिए ना? मैं लेके आएगा तोपा, लेके आएगा मैं तोपा। चाबी कोठे। सुभाष, ए सुभाष, सुभाष रुक ना। सुभाष कहाँ जा रहा है? चल भाई मैं भी चलता। ए उतरने का है क्या तेरे को? ए उतर बाबूजी। उतर अभी। हाँ बाजी, एक से एक नायाब आइटम है। ओके। हाँ जी, क्या मांगते हैं? तोप, तोप चाहिए। है ना? आइए, आइए। जयग्राम गल्ला संभाल, आ जाइए। मैं सर बचा। ये। इसका वो गोला है? दग गया, क्रांति फिल्म में। वो गाना था ना, चना जोर गरम में बाबू लाई मजेदार, हेमा मालिनी टांग रख के हंस पे चढ़ गई, एंडी पड़ गई। अरे भाई सुन, दागने वाला चाहिए मुझे सलामी देने की। है ना, मड पोर्ट में पड़ा है, 10-15 दिन में मंगवा देता हूँ। एडवांस दे दीजिए। शाम तक चाहिए, तेरे को बोला ना शाम तक चाहिए। हाँ तो 5,000 एडवांस दे दो, मंगवा देता हूँ। शाम तक मंगाता है। अब 5,000 एडवांस तो दो, मेरी बात तो सुनो। शूरवीरों की ललकार, दुश्मनों पर वार, सम्मान की पहरेदार, ये धर्म तो सन 1804 में आखिरी बार दागी गई थी। वजन है इसका 1400 किलोग्राम। 20 लोग भी मिलकर इसे हिला ना पाए। हिला ना पाए मतलब? हमें तो ये सलामी के लिए चाहिए। सलामी दिलवानी किसको? मेरे बाबूजी के लिए, उनकी अंतिम इच्छा थी। और अंतिम इच्छा ही रहेगी, क्योंकि ये तोप तो यहाँ से जा नहीं सकती। तुम एक काम करो, बाबूजी का मृत शरीर यहाँ ले आओ और तोप को स्पर्श करा के उनका अंतिम संस्कार कर दो। हो गया भाई, ये अब दिल्ली चलेगा, लाल किले की तोप उतार दो। किधर और मैं जाना भाई, सुषमा का 40 बार फोन आया मेरे को, कभी करने का बाबूजी का दाह संस्कार। सॉरी बाबूजी, तानिया के सर पे हाथ रख के कसम खाई थी, इसलिए इतना ट्राई भी किया, मगर आपके नसीब में सम्मान लिखा ही नहीं है। चल भाई। कहाँ थे? फोन है नहीं। ये तो नहीं पता।
सब बाबूजी के लिए रो रहे हैं। बहुत बुरा लगा बेटा, सचमुच बहुत बुरा लगा। अरे तुम्हारे पिताजी देवता थे, देवता, देवता का भी मन डोल जाए लेकिन उनकी ईमानदारी भगवान से बढ़कर। मैं वहां धारावाही में रहती हूँ बेटा, धारावाही में हमारी झुपड़पट्टी में जितने भी मलेरिया वाले आते ना, पाउडर बेच देते और पानी छाटते, सचमुच पानी छाटते, खाली पानी। और तुम्हारे पिताजी आए जोशी बाबू, अरे मेरे बच्चे कितने बीमार रहते थे, हर साल बीमार पड़ते थे, लेकिन जोशी भाव के बाद उनकी ड्यूटी हो या ना हो अपनी जेब से दवा खरीद कर छिड़काव करते। हमारी झुपड़पट्टी में वो आने के बाद कोई भी बच्चा मलेरिया या डेंगू से बीमार नहीं हुआ। सुनो, नहीं पहचाना ना? कैसे पहचानोगे, काफी समय जो बीत चुका है। तब तुम कोई 7 साल के थे और ये अर्थात तुमसे छोटा था। जोशी चाहते थे तुम दोनों की पढ़ाई नासिक के सैनिक स्कूल में हो, इसलिए उन्होंने अपने खेत मेरे पास 25,000 रुपए में गिरवे रखे। ये रहे उसके कागज। पैसे मिलता ही तुम दोनों की 10वीं तक की फीस उन्होंने एक साथ जमा कर दी स्कूल में। मैंने उनसे कहा, जोशी जी ये क्या बेवकूफी किया आपने? जवाब था, मेरे पास पैसे होते तो खर्च हो जाते, इसलिए ऐसा किया। इन दोनों ने पढ़ाई छोड़ दी और ये भाग आए वहां से। उधर जोशी जी भी जिंदगी भर में 25,000 रुपए इकट्ठा न कर पाए और इसलिए उनके खेत आज भी मेरे पास गिरे हुए पड़े हैं। इनकी कीमत आज क्या है जानते हो? 30 लाख से भी ज्यादा, 30 लाख से भी ज्यादा। ये लो कागज, मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरे 25,000 रुपए भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझमें तुम दोनों से ज्यादा गैरत है। बच्चों, तुम्हारा बाप गरीबी में जिया और गरीबी में ही लड़ा, लेकिन जाते वक्त तुम दोनों को न सिर्फ एक मामूली लखपति बल्कि लाखों का मालिक बना गया। भगवान, तेरी लीला भी अपरंपार है। बिट्टुआ मोरा, बिट्टुआ मोरा, दिल का टुकड़ा बिट्टुआ मोरा, तुझसे है ये जीवन मोरा, क्यों समझे ना बिट्टुआ मोरा। बिट्टुआ मोरा, बिट्टुआ मोरा, उखड़ा मोसे बिट्टुआ मोरा, मोरी समझे ना खामोशिया, क्यों समझे ना बिट्टुआ मोरा। सच की राहों पे मंजिले खुद आके रुक जाती है, सच्चाई के आगे सदा दुनिया ये झुक जाती है। हो इन ऊपरी खुशियों से तुम खुद को संभालो जरा। बिट्टुआ मोरा, दिल का टुकड़ा बिट्टुआ मोरा, तुझसे है ये जीवन मोरा, क्यों समझे ना बिट्टुआ मोरा। ईमानदारी ना बाजार में खरीदी जाती है और ना ही कागज पर लिखी कोई ऐसी पंक्ति है जिसे याद कर लो। ईमानदारी एक संस्कार है,
और बेईमानी सबसे बड़ा विकार। 27 मई 1964 ईमानदारी से मैंने अपने दिल की बात कही और मुझे पहला इनाम मिला। मैं शान से खड़ा हुआ कि तभी खबर आई कि पंडित नेहरू नहीं रहे और मेरे सम्मान की सभा शोक सभा में बदल गई। सबकी नजरें नीचे और मेरी नजर अपने सम्मान की ट्रॉफी की तरफ जो अब पास होकर भी दूर थी। सेना सम्मान के लिए है सर। एक सैनिक जीते जी तो सम्मान पाता है लेकिन शहीद होने के बाद भी उसे 21 तोपों की सलामी मिलती है सर। इसी सोच के साथ सेना की भर्ती में गया मगर यहाँ भी चालाकी और बेईमानी की एक टंगड़ी और ईमानदारी ढेर। कोई बात नहीं, ईमानदारी का रास्ता पथरीला जरूर है लेकिन पहुंचाता सही मंजिल पर है। कहते हैं शादी में दूल्हे को किसी राजा की तरह सम्मान मिलता है। ढेर सारे लोग थे, बधाइयां खुशियां ही खुशियां थी। और यहां भी उसी दिन देश में इमरजेंसी लग गई और धारा 144 लगने की वजह से घोड़ी के साथ साथ सम्मान भी आंखों से उजल हो गया। कल मैं रहूं या ना रहूं बस यादें रह जाएंगी। मैंने कहा था तुमसे जो वो बातें रह जाएंगी। हो राजा मोरा सोना मोरा ऐसे बदल जाएगा। खोया हुआ सपना मोरा फिर तो सच हो जाएगा। बिटुआ मोरा उखड़ा मोसे बिटुआ मोरा मोरी समझे ना खामोशिया। क्यों समझे ना बिटुआ मोरा। बड़ी गलती हो गई बहुजी, आपने हमारे आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी बाबूजी। सीएम मर गया भाई, सीएम मर गया, सीएम मर गया, चल भाई सीएम मर गया। आज सुबह अचानक दिल का दौरा पड़ने से प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री दया शंकर पांडे जी का निधन हो गया है और राज्य सरकार ने फैसला किया है कि आज शाम 7 बजे शहीद पार्क में 21 तोपों की सलामी के साथ मुख्यमंत्री की अंत्येष्टि की जाएगी। चलो भाई अंतिम संस्कार की तैयारी करो, दोपहर के बाद तो सब बंद हो जाएगा। चल जल्दी करो, आ जाओ अच्छी कर बेटा। आज शहीद पार्क में 21 लोगों की सलामी के साथ मुख्यमंत्री के दौरे पर जाएगा। बाबूजी शहर की 37 साल आपने रात दिन सेवा की, सम्मान के लायक तो आप हो। उस सीएम ने तो लूटा है और अब चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए आपका बेटा आपको 21 तोपों की सलामी शहीद पार्क में राजकीय सम्मान के साथ दिलवा कर रहेगा। अरे मैंने आपको कह दिया ना मैं आपके साथ नहीं आ सकती, मैं सीएम हाउस नहीं जाऊंगी। मैं आपको बोल तो चुकी हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या? बॉस दो मिनट, आप लोग भी 2 मिनट दीजिए, कुछ फैमिली का बात करना है। तान्या तुम्हें जाना होगा। सुभाष मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैंने बोल दिया है। तान्या तुम्हें जाना होगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मैं बाबूजी का अंतिम संस्कार छोड़ के उस सीएम के यहाँ जाऊं? तान्या तुम वहां अकेले नहीं जाओगी, मैं आऊंगा, भाई तुम्हारे साथ आएगा और मेरे बाबूजी आएंगे। और आज 21 तोपों की सलामी उस मुख्यमंत्री को नहीं मिलेगी, मेरे बाबूजी को मिलेगी। लेकिन सुभाष तुम यही सोच रही हो ना कि नामुमकिन है? पता है तान्या आज की तारीख में सबसे बड़ा नामुमकिन काम क्या है? गरीब रहते हुए ईमानदार बने रहना, मेरे बाबूजी वो करके गए, उसके सामने सब मुमकिन है। मैं बाबूजी को सीएम के घर लेके जाऊंगा, कैसे जाऊंगा नहीं पता लेकिन बाबूजी लेके जाऊंगा। तिरंगा पहन के वो नहीं लेटेगा, आप लेटोगे बाबूजी, कैसे होगा नहीं पता लेकिन होगा।
और 21 तोपों की सलामी भी आपको ही मिलेगी। कैसे मिलेगी नहीं पता, लेकिन आपको मिलेगी। ए, दिमाग खराब है क्या तेरा? हाँ पागल है क्या तू? कुछ आप पागल हो? तू चीफ मिनिस्टर के घर जाएगा बाबा की लाश लेकर? लेके जाऊंगा। एड़ा भगवान, एक लाश लेकर जाएगा ना, सबकी लाश वापिस आएगी। कोई वादा नहीं है, तेरे को आना है नहीं आना बता, मैं लेके जाऊंगा बाबू जी। हो गया ये हम सबको भरवाएगा, समझाए से। पागलपन बहुत जरूरी है भाई साहब। बाबूजी का पागलपन ही तो था जो 37 साल की नौकरी में उन्होंने एक भी छुट्टी नहीं ली। अब हम भी कुछ पागलपन करेंगे। तू भी इसके साथ पागल होगी, मरो तुमको जो कर देगा करो। बजे वहां तो सीएम का आंसर। शहीद पार्क किसी सीएम के बाप का नहीं। लोगों का हुजूम यहां पहुंच गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं पुलिस घर के कोने कोने पर तैनात है, सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखा गया है। आप देख सकते हैं सिक्योरिटी कितनी टाइट है, या परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सुरक्षा के प्रबंध इतने सख्त हैं कि पार्टी के मेन कार्यकर्ताओं के अलावा कोई भी आम आदमी अंदर नहीं आ सकता। प्रेस वाले प्रेस क्लब में सर, ये मुख्यमंत्री की पर्सनल स्टाफ है। तो क्या हुआ बता? अभिनव शिवहरे, एसपीजी चीफ। कार पे लाल बत्ती हो, गोली में सख्ती हो, या स्टार वाली वर्दी हो, आईजी डीआईजी वीआईपी कोई भी हो, विदाउट स्क्रीनिंग नो एंट्री। अंडरस्टैंड? यस सर। अरे पाक्या को बोला है उधर जाने को। शेखर सुनना। हाँ बस दर्शन करके। अरे शेखर सुनना तू। मैं रखता हूँ। तो सुनना मेरी बात एक बार। सुनूं? क्या सुनूं? देख मैं ये बोल रहा हूँ, पूरी दुनिया शव यात्रा चार कंधों पे ले जाती, हम दो कंधों पे लेके जाएंगे, पूरी दुनिया देखेगी हमारे बाबूजी को। एड़े, ये पागलपंती किसी को बाहर जाकर दिखा? अरे क्या पागलपंती, अपना बाप है वो। मेरे पास फालतू टाइम नहीं है, मेरे को बहुत काम है। शेखर सुनना, मैं तेरे कब से बोले जा रहा हूँ, बस क्या बोला ना, पागलपंती बाहर दिखा, ये घर है मेरा, मेरे बाबा जी का। तेरे को पागलपन देखने का है? तेरे को पागलपन देखने का है? तेरे को पागलपन देखने का है? पागलपन देखने का है? तेरे को सोचने का? चल ना, मैं रात चुप 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 मैं जेना शेखर तेरे को। अरे गेंदे के फूल मत डालो भाई, अरे मक्खियां भिनक रही है मेरे बाबू के मुंह पे, अरे मत डालो भाई। कोई है? ए देख क्या रहे हो, गेंदे के फूल हटवाओ यहाँ से। तू भी इसे कह रही हूँ, मैम को गेंदे के फूल पसंद नहीं है। और सुनो, हाई कमान आने वाली है, भगवान के लिए उनकी तलाशी मत लेना। तानिया? यस मैम।
वीआईपी की लिस्ट बना के इसको दे दो। सिक्योरिटी के नाम पे लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, समझे? तकलीफ ना हो मैम, इसलिए विद ड्यू रिस्पेक्ट आपसे आग्रह है, अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप सिक्योरिटी में मुझे किसी तरह की एडवाइस ना दें, प्लीज। एक्सक्यूज मी। भाभी, ये सब भाभी, मैंने इसको समझाने की बहुत कोशिश की मगर ये नहीं मान रहा। नहीं भाभी, भाभी, सुभाष नहीं। भाभी, मैंने अपने बाबूजी के लिए आज से पहले कभी कुछ नहीं किया। एक मौका भाभी, बाहर इतने सारे लोग खड़े और तुम यहाँ तो समझ क्या है? क्या है काका है? आपकी हाइट क्या? 5'9" 5'9" आपकी मदद की जरूरत है काका। पैसे चाहिए? नहीं, सम्मान चाहिए। मेरे बाबूजी को सम्मान दिला दीजिए काका। मैं देखिए, आपने मेरे बाबूजी के लिए आज से पहले कभी कुछ नहीं किया। आपने मेरे भाई को बेवकूफ बना के उसकी कोर्ट मैरिज करा दी ताकि आपको दहेज ना देना पड़े, लेकिन अपने बेटे की आपने खूब धूमधाम से शादी करी और दहेज भी लिया। काका, मेरे बाबूजी की इज्जत का सवाल है। एक बार क्या तुम चाहते क्या हो? पेंशन सब रुकेगी। क्या चाहिए आपको? सम्मान नहीं मिला ना, मैं दिलवाऊंगा आपको सम्मान। किस तोपों की सलामी चाहिए मुझको? दिलाओगे मुझे किस तोपों की? सुभाष, भाऊजी की आंखें तभी बंद होंगी जब उन्हें 21 तोपों की सलामी मिलेगी। ना 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 ना, ये नहीं हो सकता। मैं लाश बनकर नहीं लेट सकता। पापा, आपको सिर्फ ड्रामा करना है, सच में थोड़ी ना मरना है। अरे ड्रामा तो मैं कर लूंगा, लेकिन पेशाब कैसे करूंगा? तुमको पता है मैं पेशाब का मरीज हूँ। हर एक एक घंटे में तुम पापा, मेरे पास एक आइडिया है। मैडम, आप जानती हैं राजनीति और वंशवाद का बड़ा अटूट रिश्ता है। बाप के मरने पर या माँ के मरने पर बेटों को राजगद्दी सौंपी गई है, लेकिन आज अगर एक बेटे के जाने के बाद उसकी माँ को सत्ता सौंपी जाए तो धारा बदल जाएगी, इतिहास बन जाएगा। 4 करोड़ वोटर हैं माएं, उन्हें लगेगा आपने उनका सम्मान किया है। 60 साल की, 70 साल की, 80 साल की माँ को आपने जीने का रास्ता दिखाया है। ठीक कह रही ना मैं? हाँ मैडम। लुट गए आप काका। आज तक किसी बेटी के बाप ने अपने संबंधी को इतना भारी दहेज नहीं दिया होगा। थैंक यू काका।
Yes, ma'am. तुमने जो स्पीच लिखी है उसे चेंज कर दो. कौन सी स्पीच? मेरे दया के कहे आखिरी शब्द. आखिरी शब्द? हाँ. सर तो कुछ नहीं कह गए. ये तुम्हें पता है और मुझे, लेकिन जनता को नहीं. ऐसा लिखो कि मेरा दया अपना उत्तराधिकारी मुझे बना कर गया है. आपको? अगर मुझे गद्दी मिली तो तुम्हारी गाड़ी पर लाल बत्ती लगवा दूंगी. समझे? बाबू टाइट सिक्योरिटी की कमजोर कड़ी आप ही हैं कलावती जी. जी भाई को मारो तू. मुझे नहीं पता कि मैं ठीक कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, पर इतना पता है कि आज तुझे कोई रोक नहीं सकता भाई. चल अभी किधर चलने का? साले, जिंदगी के सफर में तू हमेशा बेईमानी से आगे रहा है, लेकिन इस आखिरी सफर में मेरे बाबूजी जीतेंगे. शेखर बाबूजी को पीछे ले. एक मिनट, कहाँ हो तुम लोग? 4 बजे शव यात्रा शुरू होगी, ऑलरेडी 3 बज गए हैं. ओके जल्दी करो. हाँ 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 ठीक है. क्या बोल रही ताने? सानिया कह रही है हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है. नहीं काकी, अब चेहरा नहीं देख पाएंगी बाबूजी का. आंखें खोल के गए बाबूजी. हाँ, चेहरा देख के ऐसा लगता है कि अभी बोल देंगे हाथ दे दो उठ जाता हूँ. काकी आप नहीं देख पाएंगी, आए संभालो ना काकी को. पैदल जाने का रास्ता है ये. सर देखिए हमारे साथ बुजुर्ग हैं, ये चल नहीं सकते सर, बहुत बीमार हैं, प्लीज जाने दीजिए. देखिए किसी भी व्हीकल को इस पॉइंट से आगे नहीं जाने दिया जाएगा. सर प्लीज सर, आप इन्हें व्हीलचेयर पे ले जाइए. चलिए अंदर देखो ना भाई. हाँ हाँ हाँ, शाम 5 बजे. एक मिनट.
चेयर पर बिठाने से क्या सीएम के घर घुसेंगे हम लोग? मेटल डिटेक्टर होते हैं वहाँ, चेकिंग होती है, मरेंगे बोलता हूँ मैं। गेट के बाहर हेलो सब कर पड़ो को ये। हेलो सुषमा, हाँ बोल। अरे जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रहा तेरा। क्या वापस हो गए? और करंट भी ले रहे। क्या खो गए? क्या खो गया? सो गए, पापा सो गए। हेलो, चलो नेक्स्ट नंबर किसका है? नेक्स्ट अब मेरा। हाँ चलो चलो। अंकल आप चले जाइए, सीनियर सिटीजन पहले ना, मैं बाद में चली जाऊंगी। इन्हें ले जाओ। चलिए अंकल चलिए। तो यहाँ कुछ लोग रो रहे थे, उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। अरे मुझको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। अरे भाई वो मेरे बाबू। हेलो ए शेखर। हेलो ए बाबूजी, किधर है? अरे बाबूजी किधर है? अरे शायद और आधा घंटा लगेगा, जैसे होता मैं तुमको बताऊंगा। नर्स, वो एक बुजुर्ग से आदमी थे उस पे भी। आप सुनिए, एक्सक्यूज मी, आप वही अंकल को ढूंढ रहे हैं ना जो व्हीलचेयर पे? हाँ, वो बाई बाल। घबराने की जरूरत नहीं है, वो अंदर है, सीटी स्कैन कर रहा है। हाँ तानिया। सुभाष तुम लोग कहाँ रह गए हो? 45 मिनट बाकी, जल्दी करो। अरे कैसे निकलूं, बाबूजी का सीटी स्कैन चल रहा है। क्या अंकल जी, सांस रोक के रखना है अंकल जी, बिल्कुल हिलना डुलना नहीं है, जैसे मरे हुए लोग होते हैं ना, ठीक वैसे ही सांस को रोक के रखना है अंकल जी। गुड गुड। सो क्यों रहे हो? नहीं नहीं मैं नहीं। तो खराटे कौन ले रहा है? बाबूजी क्या सोचा, क्या हो रहा है? खराटे क्यों दे रहे हो? बोला था ना मैं तेरे को, बोला था ना कि नहीं होगा। अभी देख बाबूजी की क्या घर बनाते हैं ये लोग। बिना पोस्टमार्टम किए अपने को बॉडी नहीं मिलेगी। 21 तोपों की सलामी तेरे घर में दिला दिया, निकल के हीरो बनती है। तेरा कह रहे तू तो एक नेता बना दूसरे को पकड़ लेगा, बन तो गया ना शेखर। नाटक बंद कर। अरे सरकारी कर्मचारी है मैं। सरकारी कर्मचारी तू जाके लेके गया बाबूजी को सिटी स्कैन के अंदर, ताकि हम ना वहां पे लेके ना पहुंच सके बाबूजी को। दिमाग खराब हो गया, समझा? खराब हो गया साला सरकारी पुट्टू, तेरे को नौकरी बचाने का नाम है? नौकरी बचाने का पास क्या? तू सारे अच्छा अंकल जी, अरे काम करो, सांस लीजिए सांस लीजिए। अरे अंकल सांस लीजिए सांस। ओ अंकल, ए कौन है डॉक्टर इधर? हाँ मेरा बाप दमे का मरीज है, और ये सीटी स्कैन में कोई लेके जाता है क्या? साला इंसानों का हॉस्पिटल है, जानवरों का है। लीजिए लीजिए सांस लीजिए। डालू क्या यहाँ पे अंदर? कैसे चल इनको, चल बिठा इधर। अरे तू अंदर कैसे आ गया? अरे क्या सुनिए, किसने डॉक्टर बनाया तुमको? पहले फैमिली से पूछने का है ना, लेके जाने से पहले। सॉरी आंटी। Have you lost it? You could have killed me. Can't you see where you're going, you crazy person? Oh, tod de kataar hai, tod de hataar hai, tod de kataar yaara, tod de kataar. Break the line. Break the queue. Oh, kidhar? Wo
अंदर दर्शन करने हैं ना बाबू जी को, चल नहीं सकते ना बेचारे, इसलिए चल ठीक है, थैंक यू, चल चलना ए भाऊ, चल चल। रुकिए सर, प्लीज सर आपको खड़े होना पड़ेगा सर। अरे यार ये स्वतंत्रता सेनानी जी, ये खड़े नहीं होते, तुम्हारे जितने सीएम डीएम पीएम है ना, इनके सब सामने लाइन लगाए खड़े हो, कैसी बात कर रहे हो सर, ऊपर से ऑर्डर है। यार अब सरकार जो है स्वतंत्रता सेनानी को हर चीज में छूट देती है ना, रेल में प्लेन में, तुम सिक्योरिटी में छूट नहीं दे रहे हो, हाँ कैसे उठेंगे वो? क्या हुआ, क्या हुआ सर? कुछ नहीं हुआ सर, मैं बस इनको बता रहा था कैसे सर सरकार जो एक स्वतंत्रता सेनानी को हर चीज में छूट देती है, रेल में प्लेन में, और सर ये सिक्योरिटी में छूट नहीं दे रहा है। कितनी उम्र है बाबा आपकी? सर 65 जी। वो बाबूजी थोड़ा ऊंचा सुनते हैं। मतलब 48 में पैदा हुए, मतलब ये कि माँ की कोख में ही आजादी की लड़ाई लड़कर आए हैं तुम्हारी ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जी। बच्चे देश को आजाद हुए 66 साल हो गए जी। वीआईपी लोगों में घुसने का ज्यादा शौक है, ले चलो मैं अंदर एक बार बाबूजी दर्शन। चलिए बाहर सर, एक बार दर्शन कराऊं मैं अंदर, दर्शन हो जाते हैं। चलिए बाहर सर, अगर एक बार सर मैं लेता हूं, चलिए मैं लेता हूं, चलिए मैं लेता हूं, आइए गेट तक छोड़ जाओ, आराम से लाइन में, लाइन में। कहाँ यार? स्विस बैंक। हाँ बाबू के फिंगरप्रिंट लेने आएंगे स्विस बैंक वाले, उन्हें तुम्हें संभालना होगा। जी संभालूंगी, अभी मैं जाऊँ? नहीं नहीं रुको, पैसों का मामला है, अकाउंट मेरे नाम पर ट्रांसफर होगा। अच्छा चलो उसमें से 2% तुम्हारे, ठीक है जी? जी अब मैं बताती हूँ कि क्या करना है और कैसे करना है। सरकारी आदमी बात दो कंधों पर ले जाने की हुई थी तो एक कंधे पर नहीं जाएंगे बाबू जी। सर मैं ले लेता हूँ, सर आराम से सर, अरे जाने से सर मैं ले, अरे सर प्लीज सर मैं ले सर नहीं हो सर मैं ले रहा हूँ, नियम को तोड़ दे। नहीं नहीं सर अब नहीं आएंगे सर, सॉरी सर, सॉरी करने के बाद दोबारा आए जी, सर बाहर तक छोड़ गया जी। शंकर जी की शव यात्रा ठीक 2:50 पर उनके निवास स्थान से शरीफ पाते ही निकली। बेटा जिस चीफ मिनिस्टर को तू पूछता है ना, वो भी तभी चैन की नींद सो सकता है जब मेरे जैसा कोई जामादार उसके घर के नीचे के गटर में मच्छरों के धुएं को उड़ाता है, समझा? गटर। हाँ सुभाष, ये सीएम के घर के अंदर कोई मैनुअल है क्या? हाँ है तो कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? तानिया जल्दी, इतना टाइम नहीं है। वो आप पीछे की साइड लॉन में है। भाई से बोलो उसका ढक्कन हटाए, मैं तमी पूछ रहा है कि सीएम हाउस में गटर कहाँ है, उसे खोलो। गटर? चल ओ दिल में प्यार तो संसार भी झुक जाता है, वक्त का पहिया भी चलते चलते रुक जाता है, लगा के जोर तोड़ दे जमाने की रस्में, तू कर ले पूरी तूने खाई है जो भी कसमें, अरे उंगली टेढ़ी करके ही अब घी निकलेगा यार। वो आगे से लेफ्ट हैंड साइड। हेलो मैम किधर जा रहे हो? सीएम पर्सनल स्टाफ। ये देखिए कितना कचरा पड़ा हुआ है नीचे, वो पकड़िए झाड़ू, पकड़िए, हटाइए सारा सारा कचरा हटाइए। वो मैम को गेंदे के फूल पसंद नहीं है, जल्दी करिए।
ठीक से करिए अंदर बुरे की वहां भी कचरा है हटाइए मैम ये मच्छर अंदर कैसे घुसा है हा? जी मच्छर जी जी क्या कर रहे हो बीएमसी के मलेरिया वाला कोई बड़ा अफसर है यहाँ जी मैडम हराम खोर तनख्वाह हम तुम्हें दे और तुम एक मच्छर न मार सको जी ए घूर कर मत देख हाँ शपथ ग्रहण करने से पहले शपथ लेती हूँ अगर एक और मच्छर ने काटा ना तो तुझे अभी के अभी यहीं के यहीं डिसमिस कर दूंगी दादी गटर गटर ओपन गोपन गटर गटर ओपन है तभी मच्छर अंदर आ रहे हैं अब चल उधर उस गटर में और एक एक मच्छर मारा नहीं ना तो देखना अब देख क्या रहा है चल भाग यहाँ से चल भाग। सर 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 मैंने कहा ना कोई नहीं जाएगा सर मैं जाऊंगा प्लीज आई सेड आउट मुझे दीजिए ना सर प्लीज बात सुनिए मेरा प्लीज माफ कर दीजिए सर बाईस साल की नौकरी में ना कोई बेईमानी की मैंने तो ना कोई अन्याय लेकिन आपके साथ अन्याय हो गया सर गलती हो गई सर मुझसे काश आपको बता पाता वो मशीन चुराने वाला पकड़ा गया
काश आपको सम्मान के साथ विदा कर पाता। सर फौजी सम्मान के साथ ही विदा होंगे। थैंक यू सर। अब मेरी बारी। नीचे ऊपर हो रहा है। अच्छा हाँ साले कितनी बार बोला है बाप को भी तुम दी मैं भी तुम सर ये जय प्रभा कैसे आ गए यहाँ पे। मैम ने साफ इंस्ट्रक्शंस दिए थे ना। आप लोग क्या कर रहे हैं। आपके और स्कूल से रिश्ते के बारे में लोगों का क्या कहना है। जय प्रभा जी आप कैसा महसूस कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं जय प्रभा जी यहाँ पहुंच चुकी हैं मुख्यमंत्री के आंख दर्शन करने के लिए। उन्होंने सफेद रंग की साड़ी पहन रखी है और आंखों में चश्मा है। वो अब आंसू छुपाने की कोशिश कर रही है लेकिन छुपा नहीं पा रही है। अब देखिए वो अपनी श्रद्धांजलि देंगी मुख्यमंत्री साहब को और ये उनकी आंखों में आंसू है और भीड़ में हलचल है। प्रभा जी आजकल की परिस्थितियों को देखते हुए हमें यह बताइए कि आपका यहाँ पे आने का कारण क्या। मैम क्या दया जी और आपकी शादी हुई थी। दया जी से आप आखिरी बार कब मिली थी और उनके साथ आपके सबसे यादगार पल कौन से हैं। मैं दया जी की प्याता हूँ। उनकी बारिश मैं दया जी की आखिरी इच्छा पूरी करने आई। हेलो दया जी की आखिरी इच्छा थी कि उनकी चिता को आग आप दे। मैं जी हाँ सर आपसे माफी मांगना चाहते थे और अब मैं आखिरी बार उनके बालों को सहलाकर उन्हें माफ करूंगी और अपनी चूड़ियां तोड़कर दया जी के पैरों में रखूंगी। रोक रुको मैं कुछ करती हूँ। ओके थोड़ा ध्यान से ध्यान से जाओ
कदम भी मेरे बाबू की तरह बढ़ाया ना तो तेरा मुंह लोच लूंगी। अरे हत्यारा, मेरे बाबू को खा गई और उसे आग देने आई रही है तू। दादी कंट्रोल, दादी मेरे बेटे की कोई संतान नहीं है इसलिए उसकी सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक वारिस मैं हूँ मैं। अरे निकालो इस कलमोई को मेरे घर से, जब तक ये यहाँ है मेरे बाबू की शवाता नहीं निकलेगी यहाँ। कंट्रोल कंट्रोल। अरे क्या बात करो, निकालो। मैडम प्लीज 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 आप यहाँ से चले जाइए। मैं यहाँ से चूड़ियाँ तोड़वाए बिना और उनके बाल सहलाए बिना नहीं जाऊंगी। क्या तो ये यार, मेरी भी अर्थी मेरे सोनू के साथ ही निकलेगी। सोनू, अभी अभी खबर मिली है कि स्वर्गवासी दयाशंकर जी के प्यार के दो नाम थे, पहला बाबू और दूसरा सोनू। अब अभी बताइए कि किस नाम में ज्यादा प्यार है। हमें SMS कीजिए और अपनी राय। Guys, what do you think, बाबू और सोनू? अंकिता? I think सोनू यार। सोनू sounds so much more cute, no? बाबू। सोनू। बाबू। सोनू। बाबू। सोनू। बाबू। सोनू ना। बाबू। 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 यार रुको, आप थोड़ा हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। हटो, बर्फ आ गई, बर्फ आ गई, हटो। हाँ, उधर। बस। लगता है भाई लोग कहीं अटक गए हैं, आने में देरी होगी। अपने ये सिली मंगवा ली है, इस पे बिंदास लेटा, कोई टेंशन नहीं। आप जो इतना सारा दावा कर रही हैं, कोई सबूत है आपके पास? आई मीन कोई मैरिज सर्टिफिकेट पेपर है? अगर है तो दिखाइए, अदरवाइज आप इज्जत से यहाँ से चली जाइए। क्योंकि क्या है कि आप ज्यादा नाटक करेंगे ना तो मुझे बल प्रयोग करना पड़ेगा, पर वो मैं चाहता नहीं। इतने सारे प्रेस वाले मीडिया वाले खाम खा आपको खींच के यहाँ से लेके जाऊंगा तो ना मुझे अच्छा लगेगा ना आपको अच्छा लगेगा। आप समझ रही हैं? आप प्लीज इज्जत से चल जाइए। देखिए मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा आपको, प्लीज। रूबी, रूबी, थैंक यू। हाँ अर्थी पर आखिर किसका अधिकार होना चाहिए, उसकी माँ का या तथा कथित पत्नी? अब हमें SMS कीजिए और हमें राय दीजिए और इस सनसनीखेज मुद्दे पर बड़ी चर्चा के लिए एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे हमारे एक्सपर्ट्स। तो बने रहिए खबर 24/7। स्विस बैंक वाले आ गए। बड़ी देर कर दी, सबके सामने फिंगरप्रिंट नहीं ले सकते ना। लेने भी नहीं चाहिए। एक काम करती हूँ, मैं उन्हें अंदर कमरे में ले जाती हूँ और आप सर को वहाँ भिजवाइए। अभी अभी तो बाबू के जाने का समय हो गया है। बाबू पे जयप्रभा की काली परछाई पड़ी है, वो पवित्र हुए हैं, क्यों ना उन्हें एक बार और स्नान करवा दिया जाए। हाँ ठीक कह रही हो, ऐसे ही करते हैं। ठीक है, मैं उन्हें अंदर लेके जाती हूँ। मैं हूँ। प्लीज कम इन, कम इन, कम। मीट सुभाष एंड शेखर, दे विल हेल्प यू। दे आर फ्रॉम स्विस बैंक। हाँ, स्विस बैंक हमारे नेताओं का बैंक। व्हाई हियर? सीक्रेट वर्क, सीक्रेट प्लेस। और इनको यहाँ क्यों ले आई हैं? तुम लोग संभालो, अकाउंट खोल दो। हाँ, हेलो हेलो, प्लीज प्लीज कम, वेलकम वेलकम। गुड मॉर्निंग, वेलकम। स्विस बैंक पूरे हिंदुस्तान मिलना चाहता है तुमसे। लो बताओ। यस यस। सो व्हाई हियर? वेयर इज द CM? CM CM This is not the CM. CM, CM. No, no, he's the CM. Look at him, look at him. CM. No, this is not the CM. No, no, this is not the CM. This is our CM. हमारे देश का सारा पैसा बैंक में रखकर बैठे। बाबा
गरीबी में मर गया। चल उठा उनको। सुनो सुनो भाई और बहनों, मेरे बाबू पर उस कलमुही की छाया पड़ गई है, अपवित्र हो गया है वो, इसलिए उसे दोबारा स्नान करवाना होगा। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ कि अब दर्शन बंद। सुनो आओ इधर आओ, बाबू को अंदर ले चलो। अरे भाई जल्दी जल्दी चलो जल्दी, अरे चलो चलो जल्दी करो। मैम ऐसे चलोगे तो फिर हो गई छुट्टी, चलो जल्दी। मैम हाँ मैम, स्नान करवाने की सारी तैयारियां हो गई हैं। पुलिस कामों को भगाइए ना इनके सामने थोड़ी फिंगरप्रिंट। और पंडित जी भी आ गए हैं। रुको, तुम क्या स्नान करवाओगे? हाँ जाओ जाकर बाहर बैठो, जब बुलाएंगे तब आना, समझे? जाओ भागो। रुको बाबू, अगर गोरे एक आंख मांगे दोनों दे देना, बाबू का अंगूठा मांगे तो हाथ दे देना। बाबू बेटा माफ कर दो अपनी माँ को, ये करना पड़ेगा रे। कहाँ ले जा रही हो? बाबू का कमरा तो ये है। मैडम इंटेलिजेंस वाले भी हैं यहाँ, और गोरू को देखकर ना सबके कान खड़े हैं। किसी ऐसे कमरे में ले जाऊंगी जहाँ किसी को शक ना हो। अरे ठीक है, दो नहीं 4% तेरे, ठीक है ना? जी मैम, अब ना आप बाहर चलिए, जनता को आप जैसा नेता ही संभाल सकता है, और भीड़ बढ़ रही है। हाँ, ये मैं देख लूंगी। ये तो करना पड़ेगा, संभाल लेना। हाँ वीआईपी कवर। चल शेखर, तन्या 1 2 3। तुमने बिल्कुल ठीक किया बेटा। पटवर्धन शहीद
कोर्ट से ऑर्डर लेकर आई हूँ। ये दया जी और मेरा मैरिज सर्टिफिकेट है। दया जी की चिता को आग लगाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। अरे इनके पास कोर्ट का ऑर्डर है, ये स्वर्गीय दया जी की धर्मपत्नी। जी नहीं है दया जी, दया जी कहाँ चले गए आप? ये मेरे दया जी नहीं है। हाँ ये आपके दया जी नहीं है। ये मेरे दया जी नहीं है। हाँ ये आपके दया जी नहीं है। नहीं दया जी हम सबको छोड़ के चले गए। मेरी बात मानो, ये मेरे दया जी नहीं है। सचमुच पागल हो गई है। ये मेरे दया जी नहीं है। कौन बैठी है? कोई नहीं, कोई बैठी। मैं अपना मासिक कर लूँगी। मैं पागल नहीं हूँ। ये मेरे आप प्लीज एम्बुलेंस मंगवाइए। निकालो निकालो इसे। लेके जाओ। प्लीज मैम। नहीं मैं नहीं जाऊँगी। मैम अपने आप को संभालिए। नहीं प्लीज हॉस्पिटल भिजवाइए। नहीं नहीं कोई मेरी बात जल्दी कोई मेरी बात क्यों नहीं मानता? और इस शव यात्रा के सीधे प्रसारण के अंतिम पड़ाव पर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल कि क्या वास्तव में एक की भावनाएं होती हैं? अब हमें जवाब भेजिए ईमेल पर, अब हम एसएमएस भी कर सकते हैं। सुनो जल्दी से अंतिम विधि शुरू करवाओ, कहीं पगली दोबारा लौटकर तमाशा करना ना शुरू कर दे, है ना? चल चल मैम, वो दया जी की कही आखिरी शब्द। रुको पंडित जी एक मिनट। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस संसार को छोड़ने से पहले जनता के नाम एक संदेशा दिया था, पहले मैं उसे पढ़ूंगी। प्रिय प्रदेशवासियों, आपने अपने वोट से एक मूंगफली का ठेला लगाने वाले को काजू किशमिश खाने वाला बना दिया। मैं खाता चला गया और खाता चला गया, सब कुछ पा लिया लेकिन आप सबको खो दिया। आप सबने मुझे इतना सम्मान दिलाया लेकिन मैं आपको कुछ ना दे सका। आज दूंगा, मेरी चिता जलने से पहले जो 21 तोपे दगेंगी वो एक आम आदमी के सम्मान के लिए होंगी। आम आदमी को ऐसा सम्मान दिलाऊंगा जो पहले कभी किसी नेता ने अपनी जनता को नहीं दिया होगा। मेरे मरने के बाद मेरी चिता को आग मेरा भतीजा नहीं बल्कि एक आम आदमी देगा। अब सवाल यह है कि कौन है आम आदमी, वो जो दिन रात इस शहर को हमारे रहने लायक बनाता। जब मुंबई पानी में डूबती है तो वो खुद डूबकर हम सबके लिए गटर साफ करता है, या वो जो अपना पूरा जीवन मच्छरों को मारने के लिए धुआं उड़ाता है, हमें सिर्फ वो धुआं दिखाई देता है।
पर धुएं में छिपा उसका चेहरा कभी नहीं दिखता। वर्ल्ड कप जीतने का जश्न हो या नए साल की खुशियां, हम रात भर सड़कों पर मनाते, बियर कैंस, पटाखे, खाने की चीजें सब सड़कों पर देखते। क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगली सुबह सड़कें जादू सी साफ कैसे हो जाती? नहीं सोचा ना? अब सोचना। आज इन तोपों की सलामी हर उस आम आदमी के लिए जो अपनी ईमानदारी, अपनी जुनून और अपनी जादूगरी से इस शहर को खास बनाता है। मैं अपनी म्यूनिसिपैलिटी को सलाम करता हूं और यह अधिकार देता हूं कि मेरी चिता को आग बीएमसी का एक आम आदमी देगा। है कोई यहाँ बीएमसी का आम आदमी? तो है कोई यहाँ बीएमसी का आम आदमी? यह है बीएमसी का आम आदमी। बाबूजी की चिता को तू याद देगा शेखर, चल मेरे साथ। Yeah!
डांस कर लेंगे, मम्मी डैडी दे रहेंगे, मेरे BFF है दोनों को दे नाचेगा ये मिलके। Get on the floor, 'cause we want you, तुम साथ हो तो कूदे नाचेगा ये मिलके। The party stays on till the early morning. When the sun goes down and this night is gone, the only one place I go in all the world is with my mom and dad. I'll never be alone. आपके सम्मान में लिखेंगे कहानी, 21 तोपों की सलामी, 21 gun salute. Yeah. 21 तोपों, हाँ तोपों, हाँ तोपों की सलामी. 21 तोपों, हाँ तोपों, हाँ तोपों की सलामी. Any part of the world you'd rather be in, you got a heart for a family feeling. In baahon mein aake zara jhoolo, you need a hug, baby, that you know. We make mistakes, yeah, we know it, but meri har galti maaf, you just blow it. Bachpan se leke aaj tak bhi har hal mein you've been my daddy. Haath thaam ke pyar jata ke har cheez mujhe samjha sikha ke zindagi ke daaye baaye mod dikha ke I am what I am because of you today. So you are my daddy, mama, my daddy. Mere dil mein ki awaaz sun le, oh mere daddy, daddy. Ekees tophoo, haan tophoo, haan tophoo ki salami. Ekees tophoo, haan tophoo, haan tophoo ki salami. Oh, I will do anything for you. Anything for you. You deserve the ultimate respect, keen and shiny. Ekees tophoo ki salami, 21 gun salute. Yeah, Ekees tophoo.